सो हेलो गाइस, तो कैसे सभी लोग। मेरा नाम है जो है, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जैसे जानते हैं आप लोग का कि कुछ टाइम पहले हमारे फ्री फायर में OB34 का अपडेट आया है, और उसके बाद से गई क्या हुआ है कि फ्री फायर चलना बंद हो चुका है। अपना जो फ्री फायर है वो अब नहीं चलेगा, और फ्री फायर मैक्स चल रहा है जो कि इसके साइज़ को घटा के 504 MB कर दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि अभी भाई 1 GB RAM के प्लेयर्स उसको खेल ही नहीं पा रहे हैं कि उनके फ़ोन में वो नहीं चल रहा है। लिख रहा है कि 1.5 GB RAM रिक्वायर्ड, तो 1 GB RAM वालों को तो भाई कट गया, मतलब अब वो लोग नहीं खेल सकते हैं। अब बात करते हैं भाई 2 GB RAM वालों की, तो 2 GB RAM में दिक्कत ये हो रहा है कि फ्री फायर मैक्स चल तो रहा है लेकिन बहुत गंदा वाला लैग कर रहा है। सर देखो, मैं भी 2 GB RAM प्लेयर हूँ, बट मेरा भी भाई बहुत गंदा वाला लैग कर रहा है। आजकल लॉबी में देखो भाई बहुत गंदा लैग हो रहा है। उसी के लगा आज कुछ लैग फिक्स ट्रिक्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद उसने स्टेबिलिटी सब कुछ फुल रख ले लिए हैं, और डिस्प्ले में आके आप लोग को ये स्मूथ ग्राफिक्स पर रखना, FPS आप लोग को हाई नहीं, नॉर्मल रखना, ठीक है। ये आप लोग का हो गया। अब आ जाता है मेन सेटिंग्स के ऊपर जो गेम की है। आप लोग नीचे देख रहे हो वाई फाई मैक्स पे आने के बाद आप लोग क्या करना है, लॉगिन वीडियो है इसको ऑफ कर देना, तो और फिर लॉबी स्टाइल को भी क्लासिक कर देना। लेकिन ये आप लोग जब गेम रीस्टार्ट करोगे तब भी आएगा, ठीक है। तो गेम रीस्टार्ट करोगे तब शो करेगा, अभी नॉट ये जो लॉबी है वही शो करेगी। बाकी ऑडियो स्टाइल को क्लासिक कर दो, डिस्प्ले जो लॉबी भी ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो जितना कुछ भी है भाई। एनिमेशन भी ऑफ कर दो, विजुअल इफेक्ट्स भी ऑफ कर दो, HD टेक्सचर भी भाई ऑफ कर ही दो, और विजुअल इफेक्ट्स सॉरी वेक्कल इफेक्ट्स। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग को जाना अपने डिवाइस की सेटिंग्स के ऊपर। तो चले जाते हैं डिवाइस की सेटिंग्स के ऊपर, और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद क्या करना है आप लोग को, सिस्टम में जाना है, अबाउट फ़ोन में चले जाना है, और अबाउट फ़ोन में आप लोग को फाइंड करना है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर मिलने पर आप लोग को इस पर 8 to 10 times लगातार टैप करना है, प्रेस करते रहना है, तो आप लोग का डेवलपर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन तो मेरा पहले से था इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आप लोग क्या करना है कि आप लोग को नीचे आना है, और आप लोग ढूंढना है गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस। तो गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस थोड़ा सा नीचे होगा, मैं भी देख लेता हूँ। ये मिल गया, देख सकते हो सिस्टम ट्रेसिंग के ऊपर। तो ये इसमें आ जाना आप लोग को फ्री फायर मैक्स को जो होगा डिफॉल्ट पे आप लोग का ये सेट रहेगा, तो इसको आप लोग को गेम ड्राइवर पे कर देना है। और चलो यहाँ पे अपना काम हो गया सिस्टम ट्रेसिंग के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करना है, पर CPU बफर साइज़ को आप लोग को 32,000 कर देना है, ठीक है, 32,000। और मैक्सिमम लॉन्ग ट्रेस साइज़ को आप लोग को 10 GB पे कर देना है। ये आप लोग का यहाँ पे सेटिंग्स हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ से बैक, आप लोग को नीचे आ जाना है 20 किलोमीटर नीचे, 50 किलोमीटर नीचे आना है, और आप लोग को दिखेगा यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल करके, ये तीन आप लोग को दिख रहे होंगे, मतलब सब तीनों को ऑफ कर दो। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल ये तीनों स्केल है, इन तीनों को ऑफ कर दो, और DPI तो लगता ही नहीं भाई मेरे फ़ोन में, वो छोड़ ही दो, ठीक है। और आ जाते भाई कहाँ गया वो, थोड़ा नीचे आ जाना आप लोग को मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज, इन्हें इसे ऑन कर दो। तो इतनी सेटिंग्स आप लोग की हो गई, और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आप लोग स्टैंडर्ड पर रख सकते हो, फिर कम कर दो मैं बोलूँगा, मैं नहीं कर सकता भाई, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। तो बैक कर देते हैं। और तो स्मार्ट मैनेजर में, स्मार्ट मैनेजर में आपको क्या करना है, हमेशा गेम खेलने से पहले मेमोरी को क्लीन करना है और फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। मेमोरी क्लीन करके फ़ोन को रीस्टार्ट मार दो, लैग फिक्स हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही भाई स्टोरेज की, स्टोरेज तो आप लोग को खाली रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गेम बहुत गंदा होगा, लैग करेगा। तो स्टोरेज खाली कर लेना, बाकी मेरा तो भाई फ़ोन पूरा रीसेट मारा हुआ है तो ठीक ही है। तो आज बात आता भाई गेम, तो गेम मैंने ऑन कर लिया, और ये गेम मेरे से लॉगिन वॉगिन नहीं चल रहा है, फ्री फायर मैक्स ही है। फ्री फायर तो अब चल नहीं रहा है भाई, इसके लिए मतलब कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसमें वीडियो बनाऊँगा या फिर मैक्स की बात करूँगा। मैक्स में तो भाई पूरा लॉबी वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, लैग भी कर रहा है यहाँ पे, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो भाई जितनी सेटिंग्स से आप लोग कोई सेटिंग्स कर लेनी है, उसके बाद आप लोग गेम खेलना है, मतलब सेटिंग्स पूरी करने के बाद पूरा फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद गेम खेलना, और फ़ोन को ठंडा रहने देना। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।